नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर बघनगरी पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी राजेश कुमार मिश्र, जो बहुत ही सक्रिय, यंग, एनर्जेटिक और समाज के भलाई के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह पिछले 3 टर्म से लगभग 15 वर्ष इनका पूरा होगा, अब 14 वर्ष बीत ही चुका है। 15 वर्षों से ये समाज की सेवा या प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, मुखिया के रूप में कर रहे हैं, और उससे पहले भी इन्होंने समाज की सेवा की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम लोग, हमारी टीम चौपाल समाचार की टीम, इस बघनगरी विष्णुपुर बघनगरी पंचायत में जो आई है, तो हम यहाँ पर आपको यहाँ के विकास से अवगत कराएंगे और हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे इनके माध्यम से कि यहाँ और क्या कुछ विकास होना संभव हो सकता है। हम आप दर्शकों को कहेंगे कि यह कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम यहाँ की वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे, चूंकि आप इस पंचायत से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप इस प्रखंड से जुड़े हैं, आप यहाँ से संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, तो आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप नज़र बनाए रखें और यदि कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर कमेंट करेंगे, जिससे कि हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः इस पंचायत से लेकर यहाँ मुखिया जी से लेकर आप तक पहुँचाएंगे। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि यदि कोई सजेशन देना है, यदि कोई सुझाव देना है, उसको भी आप कमेंट करेंगे और हम आपके द्वारा किए गए कमेंट का जो इन्फॉर्मेशन होगा इस पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी दोस्तों, सभी साथियों और सभी हमारे दर्शकों से आग्रह है कि आप आज के इस कार्यक्रम में अपना ध्यान रखें और 10 मिनट के इस कार्यक्रम में अपने तरफ से विचार देकर जरूर इस पंचायत के विकास में अपना सहयोग दें। सबसे पहले राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। राजेश जी, आप तो 15 वर्षों से लगातार इस पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में हैं जी, और 5 वर्ष पहले का जो समय था, जब से पंचायती राज व्यवस्था बेहतर तरीके से यहाँ पर काम करने लगी अपने बिहार में, तो आप बताएं कि इन सभी 20 वर्षों में लगभग के क्या कुछ विकास हुआ है आपके पंचायत में, जिसको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ग्रास रूट की इकाई है, जहाँ जनता सीधे भागीदार होती है अपने विकास के खर्चों में। और इधर 5 वर्षों में सबसे पहले पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है, जहां एक जगह बैठ के ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं सभी सरकारी कर्मी जनता की समस्याओं का निपटारा करते हैं। इससे जनता को यह फायदा हुआ है कि अब जनता को भिन्न भिन्न जगहों पर जाना नहीं पड़ता है, उनकी सारी समस्याओं का निदान एक ही जगह पर बैठ के पंचायत सरकार भवन पर उनका हो जाता है। जैसे मेरे पंचायत की जहाँ तक बात है, मेरे पंचायत में, पंचायत सरकार भवन में सरपंच साहब शनिवार के शनिवार बैठते हैं, कचहरी लगाते हैं, मंगलवार को ग्राम पंचायत के सभी कर्मी यहाँ निश्चित रूप से बैठते हैं। ऐसे जो अन्य दिन आते हैं, लेकिन मंगलवार के मंगलवार ग्राम पंचायत के सभी कर्मी बैठते हैं। मेरे पंचायत सरकार भवन के कैंपस में राजस्व कचहरी भी है, जहाँ जमीन संबंधित सभी समस्याओं का निदान होता है। मेरे यहाँ तो मेरे पंचायत भवन कैंपस में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भी है, जहाँ मेरे किसान भाइयों के पशुओं का इलाज किया जाता है और मिनरल जैसी दवा उपलब्ध कराई जाती है, वो डॉक्टर भी बैठते हैं। पैक्स गोदाम भी है, जहां से खाद की व्यवस्था की जाती है, थोड़ा बहुत अभी उसमें कमी चल रही है। बात पंचायत की विकास की, तो निश्चित रूप से विगत 5 वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो पहले राशियों का अभाव था, आज भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ग्राम पंचायतों को राशि दी जा रही है, जिससे नल जल योजना और नली गली योजना का कार्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पंचायत में थोड़ा सा नल जल योजना देर से प्रारंभ हुआ, चूंकि हमारे पंचायत में PhD के द्वारा 5 वार्ड पहले से सेलेक्ट था, लेकिन टेंडर हुआ,
टेंडर के बाद पीएचडी विभाग के ठेकेदार काम नहीं किए, इसके चलते मेरे पंचायत को लेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला और हम बाद में कार्य प्रारंभ किए हैं। लेकिन यह सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लाभ समाज के सभी तबकों को मिलेगा। नली गली योजना की जहाँ तक बात है, सरकार के द्वारा इसमें जो पहले एक प्रॉब्लम होता था ग्राम पंचायतों में कि नली गली नली, हम जब तक राज्यपाल के नाम पर जमीन नहीं हो हम वहाँ कार्य नहीं करवा पाते थे। लेकिन आज जो सरकार के द्वारा 1000 के स्टाम्प पेपर पर अनापत्ति लेकर भी कार्य कराने का जो अधिकार मिला, उससे नली गली का विकास बढ़ चुका है। और अब वैसे रोड जो 100 साल से नहीं बन पाए, वैसे वैसे गली जो 100 साल से नहीं बन पाए उनका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेरे पंचायत में 3 राजस्व ग्राम है, जगदीशपुर बघनगरी, मथुरापुर मुकुंद और सरैया। मथुरापुर मुकुंद में एक भी ऐसा रोड मेरे पंचायत में बचा हुआ नहीं है जो सोलिंग हो। वहाँ 100% रोड या तो पीच बन गया है या पीसीसी हो गया है, तो वहाँ हमारी सड़क की समस्या का निदान हो गया है। जगदीशपुर बघनगरी बड़ा गांव है, यहाँ भी पक्की सड़क तो सब बन गए हैं, बस थोड़े से उन रोडों का कार्य नहीं हो पाया है जो निजी जमीन का सड़क है और उसमें मोहल्ला बन चुका है। सरकार से मेरा एक अनुरोध होगा कि अनुसूचित जाति के वैसे बस्तियों में जहाँ 500 की जनसंख्या से अधिक रह रहे हैं, जबकि सरकारी नियमानुसार 250 से अधिक जनसंख्या होने पर ही भू अर्जन करके रोड बनाया जा सकता है। मेरे पंचायत में ऐसे 3 सड़क हैं, करियौना टोला, गाछी टोला और सेरहा मुसर टोला, जिसमें यदि सरकार के द्वारा भू अर्जन किया जाए तो आराम से सड़क बन सकती है और भू जो किसान है वो जमीन देने के लिए भी तैयार है। सरकारी नियमानुसार उन्हें मुआवजा की राशि मिले तो जमीन दिलवाने का काम ग्राम पंचायत करेगी और निश्चित रूप से जो बचे हुए लोग हैं उनके यहाँ भी सड़क, उनको भी सड़क से जोड़ा जाएगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। राजस्व ग्राम सरैया में भी लगभग जो सड़क है वो पक्की हो चुकी है, कुछ सड़क ईंट सोलिंग है और 1-2 निजी जमीन पर ही, मतलब सरकारी जमीन पर मेरे पंचायत में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पक्की सड़क चाहे पीच या पीसीसी या सोलिंग नहीं हो चुका है। हां, निजी जमीन पर कुछ समस्याएं हैं जिनमें सड़क निर्माण का कार्य होना है और उसके लिए प्रयासरत हैं, जल्द ही वह कार्य भी होगा। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री आवास की, निश्चित रूप से यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जमीन पर उतरी भी है, लेकिन मुजफ्फरपुर में दुर्भाग्यवश इंदिरा आवास सहायकों के हड़ताल के चलते नया जो सर्वे हुआ वो सर्वे से वंचित रह गया। तो अभी तक तो कार्य रूप प्रधानमंत्री आवास का बढ़िया और बेहतर कार्य हुआ है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास झोपड़ी का मकान है, जो उस समय सर्वे नहीं हो पाया था और उनका नाम पुनः जियो टैग नहीं हुआ, जिसके चलते नहीं जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि पुनः मुजफ्फरपुर जिला का सर्वे कराया जाए ताकि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार हो। बात मेरे पंचायत में जैसे प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, उसी तरह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उत्क्रमित हो चुका है, जहां एक MBBS डॉक्टर भी हैं और एक होम्योपैथी के चिकित्सक भी हैं। उसका OPD बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक आग्रह होगी कि कम से कम वह 2400 घंटा चले, चूँकि उसमें आवास का व्यवस्था है, डॉक्टर साहब को रहने के लिए आवास है, नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए आवास है, तो वो व्यवस्था बेहतर चले। एक आपके इन चैनल के माध्यम से एक सरकार से मेरी और आग्रह होगी कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा
जगदीशपुर बगनगरी पंचायत अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु लगभग सभी मापदंड पूरा भी की है और इसके लिए जिला पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ एक टीम का गठन भी हुआ था और केंद्रीय विद्यालय की टीम और जिला पदाधिकारी के टीम के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रस्ताव भी बिहार सरकार को भेजा गया, जिसके लिए हमारे मठ के महंत श्याम सुंदर दास जी के द्वारा 7.5 एकड़ जमीन दान में देने का प्रस्ताव दिया गया था। वो दान में देने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में यह निर्देश भी प्राप्त हो चुका है कि यह राज्यपाल के नाम से लिखा जाए। मैं उस कार्य में शुरू से लगा हुआ हूँ। उसमें एक बात जो हमारे समझ से परे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि बिहार सरकार के शिक्षा सचिव को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है, उसके बाद मेरे पंचायत में केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा सचिव के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि उसके लिए पर्याप्त संख्या में यहाँ भवन भी उपलब्ध है, जमीन भी उपलब्ध है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा लगभग मंजूरी भी मिल चुका है। बिहार सरकार से आग्रह होगी कि हमारे पंचायत में केंद्रीय विद्यालय खुलवाया जाए और उसके लिए जो सरकारी नियमानुसार सिर्फ मेरे पंचायत में 200 सैनिक से लेकर अर्धसैनिक बल के जवान हैं। केंद्रीय विद्यालय अगर खुल जाती है यहाँ तो इर्द गिर्द के 5-7 पंचायतों में वैसे लोग जो अपना घर द्वार छोड़ के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, लद्दाख की बॉर्डर पर, अरुणाचल की बॉर्डर पर, हर बॉर्डर पे मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे अगल बगल के पंचायतों के लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए पुनः आग्रह है मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि केंद्रीय विद्यालय जो मेरे पंचायत में लगभग फाइनल है, सरकार के अनापत्ति, सरकार के शिक्षा सचिव, बिहार सरकार के शिक्षा सचिव के अनापत्ति मिलने से ही वो चालू हो जाएगा। जी मुखिया जी, आपने तो एक ही बार में सारी बातें बताई हैं। दर्शक को हमको ये आपको बता दें, जगदीशपुर बघनगरी पंचायत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और मुखिया जी यहाँ पर इन्होंने सारी बातें बता दी हैं। लगभग आपके नज़र के सामने वो बातें आ गई हैं। मैं पुनः उसी बातों में से एक दो पॉइंट पर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे पहली बात जो बताई कि यहाँ पंचायत सरकार भवन है, मैंने भी देखा है, बेहतर है। और हम आप सभी से ये बात जरूर कहेंगे कि आगे हम यहाँ पंचायत सरकार भवन की जो व्यवस्था इन्होंने बताई उसको लेकर के भी एक हम डिटेल में वीडियो बनाकर हम आपको उसको दिखाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है। साथ ही साथ इन्होंने जो बात बताई समस्या को लेकर, विशेषकर कि मुजफ्फरपुर पूरे जिले स्तर पर, चूँकि ये संपर्क रखते हैं जिले में भी, तो और जानकारी भी हम लोगों को के माध्यम से भी होती है कि यहाँ आवास सहायकों की हड़ताल के कारण यहाँ पुनः जो लिस्ट बनना था कि जो जिन लोगों को घर की आवश्यकता है वो नहीं बन पाया है, जिसके कारण इस पंचायत में भी समस्या है। तीसरी बात जो इन्होंने बताई है महत्वपूर्ण है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय के निर्माण को लेकर के भी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें कुछ लोगों के मदद की आवश्यकता है। कानूनी तौर पर जो विधि सम्मत व्यवस्था है उसमें यदि सभी लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो एक बेहतर यहाँ पर विद्यालय बनाया जा सकता है। चूँकि जमीन भी इन्होंने जैसे बताया है कि यहाँ पर उपलब्ध है एक मठ के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर लोग भी निवास करते हैं जो उससे उसके लाभ लेने के लिए योग्य हैं, और यदि बनता है विद्यालय तो और लोग भी उससे लाभान्वित होंगे, तो ये बहुत ही बेहतर बात होगी। मुखिया जी आपने तो सही सभी बातें बता दी, हम छोटी छोटी एक दो बात और जानना चाहेंगे कि सरकार की जो सीधे लाभ की योजना, विशेषकर जो राशन कार्ड को लेकर है, क्योंकि देखा गया है लॉकडाउन में बहुत समस्या हुई थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उसकी क्या स्थिति एक बार बता दें। देखिए वर्तमान में तो लगभग लोगों के पास राशन कार्ड है, हाँ इसकी एक बार और समीक्षा होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोगों के पास भी राशन कार्ड हैं जिनके पास नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे गरीब भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, अभी बना है वर्तमान में, लेकिन अभी जो बना है राशन कार्ड उसमें एक त्रुटि देखने को मिली है कि परिवार में 4 आदमी हैं लेकिन एक ही सदस्य के नाम से राशन कार्ड बन के आया है। हम अपने मुजफ्फरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करेंगे
कि प्रपत्र ख भराना प्रारंभ हो। मेरे पंचायत में भी आरटीपीएस काउंटर है और ब्लॉक का आरटीपीएस काउंटर खुले और प्रपत्र ख भरा जाए, और वैसे परिवार जिनको राशन कार्ड मिल चुका है उनके परिवार के वंचित सदस्यों का नाम भी उसमें जुड़ जाए। ये सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात शौचालय की, शौचालय का निर्माण मेरे पंचायत में भी हुआ। लगभग 800 लोगों को मेरे पंचायत में शौचालय बनाने हेतु राशि मिल चुकी है। उनके द्वारा बना के उसका सदुपयोग भी किया जा रहा है। फिर भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, खास के महादलित वर्ग में, जो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं या उन लोगों के यहाँ कुछ परिवारों में नहीं बन पाया है। सरकार से आग्रह होगी कि खास के वैसे वंचित को जो आज भी नहीं बना पाए हैं किसी कारणवश, उनका भी, उनके परिवार में भी शौचालय बने, ताकि उनके घर के लोग भी इसका उपयोग कर सकें और बीमारियों से बचें जी। तो इन्होंने ये बात भी बता दी कि यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान और साथ ही साथ घर में शौचालय, बाहर जाने से जो ODF खुले में शौच मुक्त का जो अभियान चला था उसको लेकर के भी यहाँ काम हुआ है और कुछ लोग अभी वंचित भी हैं। तो हम संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से इस विषय पर, चूँकि हमारे दर्शक में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी भी संभवतः होंगे, तो आपसे ये आग्रह रहेगा कि यहाँ जो समस्याएँ हैं उसको निदान के लिए, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, घर में शौचालय होगा तो बहुत सारी बीमारियों से भी लोग बचेंगे और स्वच्छता बनी रहेगी, उसको लेकर के भी काम करना आवश्यक है। सहयोग का, आप सभी के सहयोग का आग्रह है। मुखिया जी, आप मुझे ये बताएं कि अभी चूँकि स्वच्छता को लेकर आपने बात की है, तो कोरोना की इस वैश्विक महामारी अभी चल रही है, सभी लोग त्रस्त हैं, इसको लेकर के क्या कुछ आप लोग काम कर रहे हैं पंचायत में जो लोग बच सकें इसमें? देखिए, जब कोरोना के लिए बाहर से मजदूरों का पलायन हुआ, जब मेरे पंचायत में आए, तो सकरा प्रखंड में सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर मेरे ही पंचायत के श्री बलिहारी उच्च विद्यालय में खोला गया, जिसमें मेरे ही देखरेख में जो भी बाहर से मजदूर आते थे उनको वहाँ रखा गया। और उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, जिसके चलते आज मेरा पंचायत लगभग उससे वंचित है। अभी तक मेरे पंचायत में एक दो समस्या ही ऐसा आया है, जबकि मेरे यहाँ पंचायत में ही कोरोना का टेस्ट हो रहा है रोज। एडिशनल PSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज टेस्ट हो रहा है। इसलिए हमारे पंचायत में लोग जागरूक भी हैं, मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं और उससे बचे हुए भी हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह मेरा पंचायत बचा रहे, मेरा समाज बचा रहे और मेरे गांव, मेरे राज्य के लोग बचे रहे, मेरे देश के लोग बचे रहें। बात और भी है, जैसे शिक्षा की बात है, स्कूल मेरे पंचायत में 10 स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेके बुनियादी विद्यालय और उच्च विद्यालय तक। और बहुत पहले आज़ादी के समय से ही मेरे यहाँ, आज़ादी के पूर्व से ही मेरे पंचायत में बुनियादी विद्यालय है, पंचायत सरकार भवन के जस्ट बगल में ही है। मेरे यहाँ उच्च विद्यालय भी, हाई स्कूल भी आज़ादी के जस्ट बाद से ही है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरे पंचायत एक आयाम है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें मेरे पंचायत से कोई ना कोई लड़का IIT जैसे संस्थान में नहीं जाते हैं, मेडिकल जैसे संस्थान में नहीं जाते हैं। सो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा पंचायत अव्वल दर्जे में है। और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत सरकारी विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता भी है जी। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग विद्यालयों में हो गया है, कुछ विद्यालयों में चाह दीवारी की आवश्यकता है। हम लोग पंचायत स्तर से भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो अभी जो हम लोगों को मार्गदर्शिका प्राप्त हुआ है, उसमें मुख्य रूप से नल जल योजना और नली गली योजना पर जोर है, इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मनरेगा के तहत उस कार्य को भी कराया जा सकता है, ऐसा सरकार के द्वारा अब आदेश प्राप्त हो चुका है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। मनरेगा से का भी कार्य अगर जमीन पर आए तो
तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। जमीन पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ी सरकारी अधिकारियों से यह कहना चाहेंगे कि उसमें जितना सहयोग सरकारी कर्मियों का मिलना चाहिए ग्राम पंचायत को नहीं मिल पाता है और वो जमीन पर नहीं उतर पाता है। पंचायत सरकार भवन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। माननीय प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग अमृतलाल मीना सर से भी हम मिले थे और बोले थे कि पंचायत सरकार भवन रोज खुले, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस पर वहाँ यह कहा भी गया, वहाँ से पत्र भी दिया गया, एक सरकारी आदेश में इसकी जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश कारण चाहे जो भी हो, पंचायत सरकार भवन व्यवस्थित रूप से चले, रोज खुले, इसके लिए कोई मार्गदर्शिका उपलब्ध हो और इसका जिम्मेवारी तय हो। जरूर। तो अभी हम बात कर रहे हैं जगदीशपुर बखनगरी के मुखिया जी से, जिन्होंने अपने पंचायत की वस्तुस्थिति से आप सभी को अवगत कराया है। समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आप दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपने जो बात सुनी है इस पंचायत के विषय पर, ये बहुत ही आवश्यक जानकारी थी जिसको लेकर हमने थोड़ा लंबा वीडियो ये अभी हो गया है। और एक दो बात है जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, चूँकि ये पंचायत बहुत ही बेहतर पंचायत है इनके नज़र में, आप यदि इस पंचायत से जुड़े हैं तो आपके नज़र में ये पंचायत कैसा है वो भी कमेंट करें, और यदि आपको भी कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट जरूर करें। मैं एक छोटा सा प्रश्न, समय का अभाव होने के कारण मैं थोड़ा सा जानना ये चाहूँगा, आपके पंचायत में अब आगे के विकास में आपके प्लानिंग में क्या कुछ है जो चाहते हैं कि इस पंचायत में विकास हो, विशेषकर आपके कार्यकाल में क्या कुछ प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, मेरे विचार में हमने एक बनाया भी है, प्रत्येक गांव में कम से कम एक ऐसा भवन बने जहां मांगलिक कार्य हो सके, विवाह जैसे कार्य, उसका नाम विवाह भवन हो, मंगल भवन हो या कुछ भी हो, लेकिन प्रत्येक पंचायत में एक भवन, प्रत्येक गांव में एक ऐसी भवन होनी चाहिए जहां से आम व्यक्ति भी अपने परिवार के मांगलिक कार्यों को कर सके, जिसकी शुरुआत हम अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन के बगल में एक बिल्डिंग बनाए हैं, एक हॉल बनाए हैं और उसकी शुरुआत भी किए हैं। उसके देखरेख के लिए हम अपने पंचायत में बिहार सरकार की भूमि पर दुकान भी बनाए हैं और उससे लगभग 8,000 रुपया प्रति महीना भाड़ा भी आता है, जिससे पंचायत में बिजली की व्यवस्था प्लस अन्य बातें हो रही हैं। हम जो मांगलिक कार्यों के लिए जो हॉल बनाए हैं, उस हॉल पर भी एक न्यूनतम दर पर मेरा प्रोग्राम है, ग्राम पंचायत का विचार है कि एक न्यूनतम दर हो, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, कुछ भी रख के उसका उपयोग जनता को, जनता के लिए हो और उसका देख रेख भी उसी राशि से हो जाए, और ऐसी व्यवस्था पंचायत के सभी गांव में हो, ये मेरा तैयारी चल रहा है और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ पुस्तकालय भी है जगदीशपुर बहनगरी में, हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत के तीनों गांव में एक पुस्तकालय हो जाए और वो पुस्तकालय भी सही रूप से चले, जिसमें अभी हम उस रूप नहीं दे पाए हैं। यहाँ है जगदीशपुर बहनगरी में पुस्तकालय, लेकिन आम जनता चूंकि अभी उतना नहीं जुड़ पाई है, कारण जो भी हो, कारण चाहे मेरी कमी हो चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पुस्तकालय सुदृढ़ हो। पंचायत में हम पार्क निर्माण के में भी प्रयासरत हैं, मठ पोखर में मेरा सीढ़ी का निर्माण हो रहा है, उसके चारों तरफ सड़क निर्माण हो रहा है, वहाँ एक पार्क भी निर्माण कराएंगे और उस पार्क में लोग बैठे, और यह पार्क भी हम चाहेंगे कि पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों में हम एक पार्क बनावे जहां शाम में लोग जाके बैठ सके और उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो गांव में नहीं, गांव की ताजी हवा के साथ शहर की व्यवस्था को भी अपने दिलो दिमाग में बैठाएं। जी, तो आप ये सुन लिए इनकी जो प्लानिंग है, इनका जो काम है, इन्होंने शहर के तरह सारी व्यवस्था यहाँ पर करने का जो आगे प्लान बनाया है, यहाँ विवाह भवन के बारे में भी इन्होंने सोचा है और उसका मूर्त रूप भी यहाँ दे दिया है। हम दर्शकों को भी कहेंगे कि ये पंचायत बेहतर पंचायत है और इसको लेकर हम आगे भी आपको इस पंचायत के हर एक एक पहलू को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए
बस इतना ही। आगे हम इसी तरह की जानकारी ग्राउंड से रिपोर्टिंग हम लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आखिरी में मुखिया जी, आप अपने पंचायत के लोगों को और यहाँ बिहार के वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर इस कोरोना की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, वो एक बार बताएं। हम अपने तमाम पंचायत वासियों एवं बिहार वासियों से आग्रह करते हैं, देशवासियों से आग्रह करते हैं कि आज जो परिस्थिति हमारे देश के समक्ष, राज्य के समक्ष, पंचायत के समक्ष उत्पन्न हो चुका है, इस कोरोना रूपी समस्या का निदान हम लोग ही कर सकते हैं। इसके लिए हमको जागरूक होना होगा, 6 फीट की दूरी मेंटेन करना पड़ेगा, जब भी हम घर से बाहर निकले मास्क का जरूर प्रयोग करें, और जहां तक हो हम कोशिश करें कि हम उन सामानों को भी हाथ न लगाएं, और अगर हम किसी भी चीज को छुए तो निश्चित रूप से अपना हाथ धोएं, ताकि वो जो संक्रमण, जो कोरोना का जो भी संक्रमित कीड़ा है वो मेरे घर तक नहीं जा सके और हमारा देश, हमारा गांव सुरक्षित रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अभी जो परिस्थिति बन गई है उसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक समस्या हो गई है गांव में, मजदूरों को भी काम नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को इस समस्या से लड़ना होगा और मजबूती के साथ लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। और आजकल हम लोग GDP की चर्चा भी बहुत सुनते हैं, हम जहाँ तक जी उसमें विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत समय हो चुका है, तो आपका मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को इतने देर तक सुना है, और हम आशा रखेंगे कि आप अपना सुझाव जरूर देंगे कि हम आगे किस प्रकार से यहाँ की जानकारी आप तक पहुँचाएँ। अगर कोई सुझाव होगा इस पंचायत के लिए तब भी आप मुझे जानकारी देंगे, हम आपका जानकारी यहाँ तक पहुँचाने का भी प्रयास करेंगे। तो मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पंचायत में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आज के लिए बस इतना ही, आगे इसी तरह की ग्राउंड की रिपोर्टिंग लेकर हम आप तक आते रहेंगे। कैमरामैन धीरेंद्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।